श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कि घर की वो चार मर्यादा कौन सी है जिस मर्यादा में नारी रहे तो उस घर में संपदा नहीं घटती। उस घर की संपदा को समाप्त नहीं किया जा सकता। चार मर्यादा माता लक्ष्मी मां सरस्वती के सामने माता पार्वती जी से पूछ रहे, वो मर्यादा है कौन सी जिस मर्यादा के बल पर एक जो घर बसता है, घर जो बसाया जाता है, उस घर में सुख सौभाग्य संपदा सत्ता वैभव प्रतिष्ठा यश कीर्ति आरोग्यता ये सब वहां रहे। पहला, मां पार्वती ने माता लक्ष्मी को कहा अतिथि देवो भव। हमारे दरवाजे पर जब कोई अतिथि आए, हमारे दरवाजे पर कोई मेहमान आए तो हम उसका आदर करें। परिवार के लोग जो आदर कर रहे हैं वो अपनी जगह पर है, भाई आदर कर रहा है वो अपनी जगह पर है, जेठ आदर कर रहा है वो अपनी जगह पर है, देवर मान सम्मान दे रहा है वो अपनी जगह पर है, पर सबसे पहला सम्मान घर की स्त्री को अतिथि का करना चाहिए। सास के मेहमान आ गए, पहचान वाले बहुवन मालूम पड़े, अपने कमरे में बैठी हुई है, मेहमानों ने आकर पूछ लिया क्यों बहू नहीं दिख रही, बस आ रही होगी। सास गई रसोई घर में से पानी लाकर पिला दिया, फिर मेहमानों ने पूछा बहू नहीं दिख रही, बस आती होगी। दो बार सास ने गिलास भी गिरा दिया कि एकाध तो आ जाओ रही ऊपर से, पर नहीं आई। जब सास ने चाय रख दी और चाय रखकर सास फिर लेकर आई तो बहुओं के मन में आया चलो सास ने चाय बना दी है, खुशबू ऊपर आ गई है, अब चलते हैं। और बहू फिर नीचे आई, जो मौसी आई थी, काकी आई थी, बुआ आई थी, चाची आई थी, उनको प्रणाम करा और अंदर जाकर चाय जो बनी थी उसको पिया। एक गरुण पुराण में लिखा है 94 तरह के नरक में एक नरक है जो दरवाजे पर आए हुए अतिथि का सम्मान नहीं करता, उसको जल नहीं पिलाता, उसका मान सम्मान नहीं देता, उसका आतिथ्य नहीं देता, उसके लिए भी एक नरक रखा गया है। हजारों नरकों में एक नरक वो भी है जिसका हमने आतिथ्य ना करा हो। मेरा बहुओं से निवेदन है, सास के रिश्तेदार आए तो आप उनका भी आदर करिए, और आपके रिश्तेदार आए तो आप उनका भी आदर करिए, जेठानी के रिश्तेदार आए तो आप उनका भी आदर करिए, और देवरानी के रिश्तेदार आए तो आप उनका भी आदर करिए। आप किसी ना किसी रूप में जो अतिथि आया है वो ना जेठ का है, ना देवर का है, ना वो सास का है, अतिथि घर का है, किसी एक व्यक्ति का अतिथि नहीं है। बड़ी बहू सोचे कि मैं घर की बड़ी, बड़े परिवार की, मेरे पास में बहुत धन दौलत, मैं काय को गिनूं किसी मेहमान को। छोटी बहू सोचे मैं काय को गिनूं, मंजिली सोचे मैं काय को गिनूं, संजिली सोचे मैं काय को गिनूं। तुम्हारे मां बाप आए
सास अगर तुम्हारे पिता से तुम्हारी माता से बात ना करे, देवरानी बात ना करे, जेठानी बात ना करे, तो तुम्हें कैसा लगेगा कि तुम्हारे माँ बाप आए और किसी ने सम्मान नहीं करा। उसी तरह सास के रिश्तेदार आए, तुम सम्मान नहीं करोगी तो उसको कैसा लगेगा। फिर तुम्हारे घर के आए वो सम्मान ना करे तो तुम्हें कैसा लगेगा। आतिथ्य, घर में कोई भी आए वो सबके लिए। दूसरा क्रम बताया, घर के दरवाजे पर जो तुलसी का पौधा होता है, जीवन में सबसे पहले अगर दुख आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, बीमारी आती है, रोग आता है, कोई बड़ा घटना घटने वाली होती है, कोई बड़ा कष्ट आने वाला होता है, तो लक्ष्मी जी से माता पार्वती कह रही है घर में जो तुलसी का पौधा होता है सबसे पहले घात उसी पर होती है। तुलसी का पौधा सूख जाता है, समाप्त तो हो जाता, उसके डालियां मुरझा जाती हैं, नीचे लटक जाती है, मंजरी झुक जाती है, या तुलसी के कुंडे में जो मिट्टी है उसमें फफूंद पड़ जाती है। कितना सुंदर बात कही है महाराज, तुलसी के क्यारे में, पद्म पुराण, तुलसी के क्यारे में जो हम जल डालते हैं, वो जल हमने जब डाला और वो जल अगर नीचे गिर रहा है उसका भी दोष वर्णन है महाराज, उसका भी दोष हमारे शास्त्र में वर्णित किया गया। तुलसी के क्यारे में अगर जल डाल रहे हैं और वो जल जमीन पर बह रहा है, गिर रहा है, उसका भी दोष है। तुलसी के क्यारे में उतना ही जल दिया जाए जितनी मट्टी सोख ले, दो चार आठ बूंद पानी गिरे चल जाएगा। तुलसी के क्यारे में छिद्र रहता है, बूंद बूंद पानी टपक जाए वो चल जाएगा, पर तुमने तुलसी के क्यारे में जो जल भरा, लोटा भर भर के डाल दिया और ऊपर से जो जल कुंडा भरा कर उलीच में से, अर्थात भराने के बाद जो नीचे गिर रहा है वो दोषपूर्ण है महाराज, उसकी दोष था। वो दोष देने तो लक्ष्मी से माता पार्वती जी कह रही हैं कि दूसरा क्रम है घर में वैभव, लक्ष्मी संपदा प्रतिष्ठा यश आरोग्य को पाने के लिए तुलसी के क्यारे की आराधना, तुलसी के कुंड को नमन करना। तीसरा क्रम कहा, घर में चाहे नल लगा हो, चाहे आरओ का प्लांट लगाओ, पानी का घर में छोटा छोटा आरओ प्लांट लगा लेता है, फिर भी घर के अंदर रसोई घर में एक छोटा सा मटका, मटका नहीं तो हंडा, हंडा नहीं तो बाल्टी, बाल्टी नहीं तो कलसा, पानी का भरा हुआ जो नारी रखती है दूसरे दिन उस पानी को बाहर ढोल कर फिर वापिस धोकर भर लेती है। मटका रोज धुलता है, हंडा रोज धुलता है, प्रतिदिन का जितना जल उस पात्र में रहता है भरता है, ऐसे ही घर में संपदा बढ़ती। तीन क्रम बढ़ते, चौथा नारी के मस्तक पर जो चीर होता है, ये पूर्वज इसी चीर से कथा प्रारंभ हुई थी और वहीं पर पहुंच गई, लक्ष्मी पार्वती के संवाद पर चल रही है महाराज। मस्तक पर जो चीर होता है, मस्तक पर जो वस्त्र होता है, वो वस्त्र पूर्वजों का, पितरों का, कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद। महादेव, जो व्यक्ति पथ भ्रष्ट हो जाए, जैसे मदिरा के नशे में पड़ गया, कहीं जुए में पड़ गया, कहीं मांसाहार में पड़ गया, कहीं व्यसन में पड़ गया, कहीं गलत काम में अगर कोई जा रहा है, तो श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से
काली तिल भगवान शिव को समर्पित करी जाती है। महाराज काली तिल को वापस उठा कर ले आते हैं, उसी काली तिल को जो मदिरा का नशा करने वाला होता है या जो गलत व्यसन में डूबा हुआ होता है उसको वो सुबह के समय अगर नहीं खाता तो भोजन के साथ उसको दिया जाए। शरंभेश्वर मार्ग, एक बेलपत्री का भी बहुत अच्छा प्रयोग है शरंभेश्वर महादेव का, मदिरा पीने वालों के लिए मांसाहार व्यसन में, जुए में, पेशावृत्ति में, परनारी में, गलत जगह पर जो डूबे रहते हैं उनके लिए, पहले की कथा में उसका वर्णन किया है बेलपत्री। शरंभेश्वर महादेव, एक बार सब बोलेंगे, कौन से महादेव? शरंभेश्वर महादेव। फिर जम के बोल लो एक बार, शरंभेश्वर महादेव। जब हमारे घर में क्रोध बढ़ता है या कोई गलत कार्य में जाने लगता है तो शरंभेश्वर महादेव का हमें शरणागति लेना चाहिए, शरंभेश्वर महादेव का पूजन करना चालू कर देना चाहिए। कई लोग कहते महाराज जी शरंभेश्वर महादेव का मंदिर कहां मिलेगा, हम कहां पूजन करने जाए? कहीं नहीं जाना, तुम्हारे घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर है वहीं जाओ, उसी देवालय में, उसी मंदिर में जाओ, श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाना प्रारंभ करेंगे, वो जल जो गलत संगत में पड़ा हुआ है उसका आचमन कराना प्रारंभ करेंगे, अपने आप उसकी धीरे धीरे बुद्धि सुधरना प्रारंभ हो जाएगी। ऐसा श्रम्भेश्वर महादेव का। कुछ स्थान हमारे यहाँ पर बड़े सुंदर सुंदर स्थान निश्चित किए गए हैं, जैसे कैंसर आदि के मरीज के लिए हम लोग पहले भी कहते हैं कि त्रिजुगी नारायण का जल बड़ा महत्व रखता है। जिसका शरीर या जिसको एक पत्र आया है कि किसी को मिर्गी का झटका आना चालू हो गया था, पत्र ढूंढेंगे तो समय थोड़ा लग जाएगा, जिसने लिखा है उसके स्मरण में होगा, जिसने भी लिखा होगा कि बीमारी के चलते चलते फिर मिर्गी आना चालू हो गई। जिसने भी लिखा है वो दोनों हाथ एक बार हिला देना, जिसके लिए भी लिखा हुआ वो इतना ध्यान नहीं आ रहा, तो उनको मिर्गी का झटका आना प्रारंभ हुआ। अब मिर्गी का झटका आना प्रारंभ हुआ, कई महीने निकल गए, मिर्गी के झटके बंद नहीं हुए, तब उन्होंने पत्र में लिखा है कि श्रम्भेश्वर महादेव का आपने जो वर्णन करा था 31 बेलपत्र वाला, गुरुजी हमने वो 31 बेलपत्र वाला प्रयोग करना प्रारंभ करा, और उन्होंने पत्र में लिखा है कि मिर्गी के झटके भी बाबा की कृपा से ठीक हो गए हैं, अब कोई झटके उनको आने। श्रम्भेश्वर महादेव का जो वर्णन है, श्रम्भेश्वर महादेव का जो गुणगान है, यह कोई साधारण नहीं है। शिव महापुराण में भागवत के प्रहलाद चरित्र को लाकर रखा गया है केवल श्रम्भेश्वर महादेव के प्रागट्य के लिए, ऐसा श्रम्भेश्वर महादेव का गुण। एक बार फिर आप लोग भूल ना जाओ उसके लिए एक बार फिर से बोल लो, कौन से महादेव? श्रम्भेश्वर महादेव। ये श्रम्भेश्वर महादेव जैसे कुंदकेश्वर महादेव, कुंदकेश्वर महादेव का क्या काम है? माता पार्वती ने बिदल उत्पल को मारने के लिए जो कुंदुक फेंका था वो कुंदुक भगवान शंकर के पांव में जाकर गिरा था, तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर हो गया था। जब हमारे यहां कोई दवाई नहीं लगती शरीर में, कोई कैंसर जैसा रोग हो गया, किडनी लीवर का रोग हो गया या बीपी शुगर का रोग हो गया, शुगर लेवल में नहीं आ रही है, तो आप शंकर जी पे से जो बेलपत्र ला रहे हो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से लाओ, दवाई खाओ, डॉक्टर को दिखाओ, सारी जांचें कराओ, डॉक्टर के अनुसार चलो, डॉक्टर जैसा बताए वैसा करो, पर उस दवाई को भी शिव जी से कहकर कि बाबा कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस दवाई को भी हम कुंदकेश्वर महादेव का प्रसाद समझ कर पाना प्रारंभ करो, धीरे धीरे आराम लगना प्रारंभ होगा। कुंदकेश्वर महादेव रोग मुक्ति के लिए होते हैं, और श्रम्भेश्वर महादेव, बोलो बोलो जरा जम के, व्यसन की समाप्ति के होते हैं। शंकर, दुर्गा जी, सूर्य नारायण भगवान,
भगवान नारायण और गणेश जी महाराज, बस ये पंचायत। और परिवार में कौन कौन होते हैं? पार्वती, कार्तिकेय, गणेश, शिव, नंदी, ये परिवार। शिव पंचायत में केवल पांच, और शायद इसीलिए शिव महापुराण की कथा में जो पंचायत का महत्व कहा गया, उस पंचायत में सूर्य की भागीदारी जो कही गई है कि एक बीता आपके यहां अगर कहीं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक बटन दबा दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।